हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले मिंत्रा की तरफ से मैंने एक जीन्स ऑर्डर किया हुआ था। ये मैं आपको बता दी, ये रिप्लेस प्रोडक्ट है। मतलब इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, 32 नंबर के जीन्स मैंने ऑर्डर किया हुआ था। आप लोग नहीं देखे हुए जाकर चेकआउट कर सकते। वो 32 नंबर के जीन्स था, मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया था। वो क्या काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, मैंने इसे रिप्लेस करके यहाँ पर 32 नंबर के जीन्स ऑर्डर किया, जो कि इस तरीके से पूरा पैकेज आया हुआ था। ब्रांड और प्राइस वराइज सब चीज़ सेम है, इसके साइज में अंतर है। वो 32 नंबर का और ये 30 नंबर का जीन्स है। जल्दी से मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ, देखते हैं कि जो हमने रिप्लेस करके मंगाया सही है आया हुआ है कि नहीं। तो मैं इसे जल्दी से खोल लेता हूँ इस तरीके से, तो देख पा रहे काफ़ी अच्छे तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पर सेम यहाँ पर एक कागज़ दिया गया है जो पिछले जीन्स में दिया गया था, और इस तरीके से पूरा पैकेज आया हुआ देख पा रहे हैं। इस तरीके से इसकी जो MRP है 2200 रुपये के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर साइज भी दिया गया, 30 नंबर का यहाँ पर साइज लिखा हुआ, वो 32 नंबर का था, ये 30 नंबर का था। इसे पहन कर देखते हैं कि जो 30 नंबर का जो साइज है वो सही आया हुआ है कि नहीं। मैं जल्दी से इसे भी खोल लेता हूँ। हमारा जो जीन्स है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, सेम जीन्स है ये देख पा रहे इस तरीके से। ये है 30 नंबर की जीन्स, काफ़ी अच्छा, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया ये वाली जीन्स है। इसकी जो रिव्यू भी काफ़ी अच्छा, ये रिव्यू रिस्पॉन्स और रिव्यू मुझे देखने को मिला। चलिए मैं इसे पहन कर दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सच में 30 नंबर का है या नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइज दिखा देता हूँ। देख पा रहे यहाँ पर 30 नंबर लिखा हुआ है, बाकी जो प्रोडक्ट है सेम ही है, कोई भी अंतर हमें देखने को नहीं मिला। इसे मैं पहन कर भी दिखा दूंगा। बाकी जो पैकेज दिखाया था सब चीज़ सेम है, टैग वही टैग यहाँ पर भी देखने को मिला, सेम टैग। टैग को भी मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि यहाँ पर भी 30 नंबर लिखा हुआ है, MRP लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है इस तरीके से, और पीछे की तरफ भी यहाँ पर ब्रांड का नाम जो नाम है टैग है वो लगा हुआ इस तरीके से। चलिए मैं पहन कर दिखा देता हूँ, देखते हैं कि जो 30 नंबर का जो साइज है एक्चुअल में हमारे लिए सही है या नहीं। 32 तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था मुझ पर, तो चलिए मैं इसे पहन कर देख। मैं इसे फिलहाल अभी लोअर के ऊपर पहन रहा हूँ क्योंकि ये मेरा जींस नहीं है, मेरे भाई का जींस है, तो ये एकदम ही परफेक्ट आया हुआ देख पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब गर्मी के टाइम पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। ठंडी के लिए तो रहेगा ही, लेकिन गर्मी के टाइम क्या होता है जो काफ़ी सारे जीन्स आते हैं एकदम चिपक जाते हैं, तो मज़ा नहीं आता। बैठने उठने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आसानी से इस तरीके से पूरा बैठ भी सकते हैं, इस तरीके से उठ भी सकते हैं। पीछे से मैं आपको पूरा पोर्शन दिखा देता हूँ। पहनने के बाद पूरा जो एक्चुअल लुक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक मिलेगा। यहाँ पर हल्का हल्का यहाँ पर जो फाड़ा गया है जीन्स वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अंदर की तरफ ब्लैक कलर का कपड़ा जोड़ा गया अंदर अंदर की तरफ से, और इसकी जो क्वालिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कुछ जींस होते हैं जो कपड़े जोड़े हुए रहते हैं वो फट जाते हैं, लेकिन ये क्या है अच्छे तरीके से हमें सिलाई कर दिया गया जिससे जो ये जींस फटेगा नहीं यहाँ से, नहीं तो यहाँ से क्या क्यों जींस जो होते फट जाते हैं। इस तरीके से काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जो चेन की क्वालिटी वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी यहाँ पर जो पॉकेट वॉकेट है काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। जो कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका जो रंग है वो निकलेगा या नहीं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं एक दो बार धो लूँगा तो मैं आपको बता दूँगा कि एक्चुअल में जो जीन्स कैसा चल रहा है। बाकी मेरे हिसाब से जो जीन्स मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, ये देख पा रहे हैं। हमारा जो कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लिंक जो हमेशा के डिस्क्रिप्शन में हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।